अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस इट इज़ पॉसिबल के बिल्कुल ही नए एपिसोड में आई प्लस टीवी की तरफ से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे दीनी और दुनियावी मालूमात के वीडियो आप तक पहुँचते रहें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं IPS अब्दुल रहमान साहब, जो एक ऑथर हैं, ह्यूमनिस्ट हैं और बहुत ही अच्छे इंसान। आइए अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और अपनी मालूमात में इजाफा करते हैं। इस्तकबाल करते हैं सर का। सर बहुत बहुत आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे ऑडियंस के लिए जानकारी में इजाफा होने वाला है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ सर। क्या वजह थी कि आपने ये IPS बनने की सोची? देखिए, जब हम बचपन में पढ़ते थे, जब हम लोगों ने 10th में अच्छा किया, 12th में अच्छा किया और उसके बाद हम IIT कानपुर में मेरा एडमिशन हुआ, तो हमारे जो टीचर्स थे वो कहा करते थे कि सिविल सर्विसेज में जाओ, IAS IPS बनो, IFS बनो और मुल्क की खिदमत करो। यह बहुत बड़ी एक अच्छी नौकरी है, इसमें सोशल प्रेस्टीज है जी। और बखूबी हम जानते हैं कि IAS IPS और IFS UPSC के जरिए जितने भी नौकरियां हैं ये लोग मिल करके देश को चलाते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स है इन्हीं के हाथों में होती है, तो इससे ज्यादा इनकरेजमेंट हमको मिला। और जब हम IIT कानपुर में ग्रेजुएट हो रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब से हमने तैयारी शुरू की और हमारी ये दिली ख्वाहिश थी कि हम UPSC में कम्पीट करें और वहाँ से IAS IPS या IFS बने। लेकिन आपको पता है कि UPSC का जो एग्ज़ाम है यह लगभग 25-26 सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम होता है जी। जो ऊपर के लोग हैं वो IAS में जाते हैं, उसके बाद IPS IFS IRS कस्टम्स रेवेन्यू 25-26 नौकरियां हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड। हाँ हाँ, तो मैंने जब देखा कि मेरा ऐसा रैंक है कि मुझे IPS मिल सकता है, फिर मैंने IPS को सेलेक्ट किया और मुझे महाराष्ट्र का ऑर्डर मिला और उसके बाद मैं महाराष्ट्र में आया। सर एक स्टूडेंट के अंदर ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए, उसको कब पता चल जाए कि वो एक IPS के लिए तैयारी करना चालू करे, या बचपन में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं बच्चे के अंदर, जो कहावत है ना, भूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं? जी जी, देखिए ऐसा है कि यह जो UPSC है यह भारत का एक टफेस्ट एग्जाम है जी। अगर गवर्नमेंट एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो UPSC जो है वो सबसे मुश्किल तरीन इम्तहान है, कंपटीशन है बेसिकली। तो इसकी तैयारी के लिए सबसे जो पहले तो स्टूडेंट्स को टैलेंटेड होना चाहिए, यानी एकेडमिकली वो अच्छा हो, यानी 10th में अच्छे मार्क्स हों उसको, 12th में अच्छे मार्क्स हों। मार्क्स होने के अलावा वो हाईली मोटिवेटेड हो और मोटिवेशन के साथ साथ उसमें मेहनत करने की काबिलियत हो, और जिस तरह के सब्जेक्ट्स वहाँ पे हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो ऑप्शनल्स हो या रीजनिंग हो या जनरल स्टडीज़ हो, इंटरव्यू हो, इन सब में एक महारत हासिल करनी पड़ती है। तो मेरा यह मानना है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर वो कम्पीट करना चाहता है तो सबसे पहले थ्रू आउट एकेडमिकली वो अच्छा हो, यानी अच्छे मार्क्स से पास होता रहा हो, पहली बात। दूसरी बात कि हाईली मोटिवेटेड हो, अच्छा मेहनती हो और कुछ कर गुजरने की उसमें जो एक जो जिद होती है वो होनी चाहिए, तभी ये एग्जाम में हम क्रैक कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं। ठीक सर, IPS बनने के साथ साथ रिलीजन आधार पे जब आप IPS आप बन गए, हाँ, तो जैसा सुनने में मार्केट मतलब मीडिया के अंदर वगैरह में आता है कि हिंदू और मुस्लिम रिलीजन तौर के ऊपर कुछ भेदभाव रहता है सर? देखिए मेरा ताल्लुक बिहार से है जी, और मैं बहुत ही एक मामूली खानदान से ताल्लुक रखता हूँ जी। मेरा फार्मिंग बैकग्राउंड रहा है, मेरे माँ बाप खेती करते थे और दूर दूर तक मेरे खानदान में मुझसे पहले कोई मैट्रिकुलेशन भी पास नहीं किया था। वहाँ से हम निकल करके आए, 10th में मैंने देखा IIT का एग्जाम मैंने दिया, IIT का टेस्ट दिया, IIT कानपुर में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ 4 साल मैंने पढ़ा, वहाँ से हम ग्रेजुएट हुए, वहाँ से होने के बाद मैंने UPSC का एग्ज़ाम दिया। ये सारा सफ़र तय करते हुए हमने महसूस किया है
और बहुत सारे स्कॉलर्स का भी यह कहना है कि भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें मजहबी एतबार से किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, यानी रिक्रूटमेंट में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन जब आप रिक्रूट होकर के अपनी अपनी नौकरियों में चले जाते हैं, चाहे वो आईएएस की नौकरी हो, आईपीएस की नौकरी हो, या टीचर्स की नौकरी हो, या पुलिस की नौकरी हो, या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या कोई और डिपार्टमेंट हो, तो बहुत सारे जो इम्प्लॉयज हैं, जो मुस्लिम इम्प्लॉयज हैं खास करके, उन्होंने महसूस किया है कि काम करते हुए उनके साथ किसी न किसी स्टेज पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये मैंने भी महसूस किया है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी इस बात को लिखा है, इस बात को उजागर किया है कि रिक्रूटमेंट में तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन जब आदमी रिक्रूट हो जाता है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और काम करना शुरू होता है उस ऑफिस के अंदर, बहुत सारे मैटर्स में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे पोस्टिंग के मामले में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्लम पोस्ट कहे जाते हैं उसको हासिल करने में डिस्क्रिमिनेशन होता है, कभी कभी ट्रिवियल मैटर में, छोटे छोटे मैटर में उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की जाती है जिससे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे अलाउंसेज हासिल करना रहता है, उन अलाउंसेज को हासिल करने में तकलीफें पैदा की जाती हैं, यानी ऑब्स्टेकल्स पैदा किए जाते हैं। तो ये जॉब्स में आकर के, खास करके बाकी रिलीजन के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात कहता हूं, और बाकी जो हमारे जो जो लोग हैं, जो मुस्लिम ऑफिसर्स हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनके जो रिमार्क्स वगैरह आते हैं और उनसे जब बातें होती है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे सबको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। सर, ऐसा क्या करना चाहिए खास करके जो मुस्लिम लोग या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग गवर्नमेंट सर्वेंट में काम कर रहे हैं, तो ऐसा बिहेवियर के अंदर कुछ क्या हम लोगों को कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, या ये उनकी तरफ से कुछ होना चाहिए कि माहौल अच्छा बना रहे, जहां ऑफिस का माहौल अच्छा बना रहेगा तो देश का माहौल अच्छा बना रहेगा, क्योंकि आप लोग जिस लेवल पे काम करते हैं उसी वही एक सिस्टम है जो देश को चलाता है। जी देखिए, ऐसा है कि जब आप नौकरी में दाखिल होते हैं तो एक सर्टेन मिनिमम टैलेंट आप में होता है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके और फिर जॉब्स में जाते हैं, तो टैलेंट की कमी नहीं है, कोई 19 होता है, कोई 20 होता है। लेकिन मामला यह होता है कि जब हम नौकरियों में जाते हैं तो बीइंग अ मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, हम इसका ख्याल रखते हैं कि भाई कोई हमको यह ना देख ले कि हम ज्यादा मुसलमानों से मिलते हैं या उनको कोई फेवर करते हैं। ये फेवर करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, जो भी आदमी रिक्रूट होता है चाहे वो किसी भी ग्रेड का हो, ग्रुप डी का हो, बी का हो, सी का हो, ए का हो, या सुपर क्लास वन ऑफिसर हो, सबको कायदे कानून के चौखट के अंदर रह करके काम करना पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी लोग रिक्रूट होते हैं उनको मेहनत करनी चाहिए, कायदे कानून के चौखट के अंदर रह करके काम करनी चाहिए, सरकार के जिस तरह के डायरेक्शन है उसके मुताबिक काम करना चाहिए, और उनके जो इमीडिएट सुपीरियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, वो क्या कहते हैं, किस तरह के डायरेक्शन है, उसके मुताबिक काम करना चाहिए। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी कुछ इस तरह की बातें होती हैं डिपार्टमेंट में, जहां पर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस करना पड़ता है। सर, आपकी पोस्टिंग के दौरान यवतमाल, जी यवतमाल में आपकी पोस्टिंग के दौरान आपके ऊपर आरोप लगता रहा कि आपने अपने कांस्टेबल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर कुछ हुआ था, अब उसके बारे में बताइए सर। देखिए, मैं 3 जिले में एसपी रहा, धुलिया में एसपी रहा, चंद्रपुर यवतमाल में एसपी था, मैं रेलवे पुलिस पुणे में भी एसपी था, मैं एडिशनल सीपी नागपुर में था, मैं कमांडेंट था ग्रुप 4 नागपुर में, यानी धुले, चंद्रपुर, यवतमाल, नागपुर, पुणे और पुणे में रेलवे, इतने जगहों पे मैंने पुलिस रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज किया। अच्छा। और लगभग 3,500 लोगों को मैंने अपने एसपीशिप में और डीआईजी के तौर पर, एडिशनल सीपी एडमिन के तौर पर मैं जब पुणे में काम कर रहा था, तो ये दोनों जो पीरियड को मिला दिया जाए तो लगभग मैंने 3,500-4,000 लोगों को भर्ती किया। आज तक एक भी इस तरह का इल्जाम नहीं लगा कि आपने किसी की तरफदारी की या किसी तरह की पार्शियलिटी की या किसी का पैसे लेकर के आपने रिक्रूट किया, एक भी इल्जाम नहीं लगे सातों जगह पे। ये जो इल्जाम लगा यवतमाल में, ये देखिए बेसिकली क्या होता है
कि जब क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो उस वक्त जो था एग्जाम जो था 200 मार्क्स का होता था, 100 मार्क्स का फिजिकल होता था, तो वो हटा दीजिए, उसमें किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात नहीं है। उसके बाद से 100 मार्क्स में से बचे हुए 100 मार्क्स में से 75 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है और 25 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो जब ये 75 मार्क्स का जब रिटन टेस्ट हो रहा था उसमें 15 मार्क्स का एक एसे लिखा जाता है, तो 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर था वो कायदे के मुताबिक उस वक्त जो था रिक्रूटमेंट जो था पुलिस रिक्रूटमेंट रूल, महाराष्ट्र पुलिस रिक्रूटमेंट रूल 2006 या 7 के हिसाब से लिया जा रहा था, उसमें लिखा था कि जो क्वेश्चन पेपर है स्ट्रिक्टली मराठी में होने चाहिए। मैंने भी मराठी में ही क्वेश्चन पेपर को सेट किया था। क्वेश्चन पेपर को जब सेट किया गया था तो 60 जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस के होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और 15 जो आखिरी जो सवाल होता है वो 15 मार्क्स का वो ऐसे राइटिंग होता है। तो ये मैंने उर्दू में क्वेश्चन पेपर निकाला, ये बात पूरी तरह से गलत है। क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से मराठी में ही था। अब देखिए जब बच्चे बैठे वहां पे एग्जाम देने के लिए, 300 लोगों का रिक्रूटमेंट होना था और लगभग 5000 से 6000 लोग रिटन टेस्ट के लिए बैठे थे, तो एक जगह से इतने लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अब सवाल ये होता है कि जब ऐसे राइटिंग की बारी आती है तो महाराष्ट्र का ये हमने महसूस किया है कि मेजॉरिटी जो बच्चे हैं यानी 95-96% जो बच्चे हैं वो ऐसे जो है मराठी में लिखते हैं, कुछ बच्चे हैं उर्दू में लिखते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो नॉर्थ से आते हैं वो हिंदी में लिखते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं। लेकिन जब हम उनके पेपर को चेक करने के लिए बैठते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई इसने मराठी में लिखा है तो इसका जो ऐसे है चेक होगा, और हिंदी इंग्लिश या उर्दू में भाषा में जो लिखा गया है उसका चेक नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हम सबको चेक करते हैं और कंटेंट के मुताबिक हम मार्क्स देते हैं और वो फाइनल मार्क्स के हिसाब से बाद में वो रैंकिंग डिसाइड होता है। हुआ वहां पे कि कुछ 40-50 बच्चे जो थे, मेरे ख्याल मुस्लिम बच्चे जो एग्जाम में बैठे थे उसमें से कुछ बच्चों ने 20-25 बच्चों ने उर्दू में ऐसे लिख दिया, तो वहां पे उर्दू जानने वाला कोई नहीं था। मैंने उसको चेक किया, उसके कंटेंट के मुताबिक उसको मार्क्स दिया और वो फाइनली एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद उसका रिजल्ट जो है हर स्टेज पे जो सीनियर ऑफिसर जो है वो सुपरवाइज करते हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने देखा कि हाँ भाई आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए, हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज था इंटरव्यू का, इंटरव्यू भी कंडक्ट हुआ। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद एक वहां पे एक ऐसा आदमी था जो ब्लैकमेलर जिसको कह सकते हैं, अच्छा, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट का अपना एक लबादा ओढ़े हुए रहते हैं, कुछ डिपार्टमेंट से आरटीआई के कुछ इंफॉर्मेशन जमा करते हैं और चाहे वो पब्लिक के लोग हों या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे एक आदमी इस एग्जाम के खिलाफ चला गया नागपुर हाईकोर्ट में, तो नागपुर हाईकोर्ट ने कुछ भी डिसीजन नहीं दिया। नागपुर हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये पुलिस डिपार्टमेंट का इंटरनल मामला है, पुलिस डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी करे और लगे कि एसपी यवतमाल ने कुछ गलती की है तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई करे, बाकी जो रिजल्ट है उनको रोकने की कोई जरूरत नहीं है। तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, बाद में गवर्नमेंट की तरफ से एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, गवर्नमेंट ने बाद में उसको फाइल किया था। तो यह इल्जाम लगाना कि उर्दू में क्वेश्चन पेपर मैंने सेट किया था यह पूरी तरह से गलत है और यह गलत फहमी में, और एक जो आरटीआई एक्टिविस्ट जो बेसिकली ब्लैकमेलर था जो कोर्ट में चला गया था, कोर्ट में जाने से यह मामला उछल गया था, पेपर्स में आया था, लेकिन ये कैसे कंक्लूड हुआ, गवर्नमेंट ने मुझे एक्सप्लेनेशन कॉल किया, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, ये सारी बातें फाइल हो गई, ये बातें किसी को पता नहीं है जी। सर आपकी रेजिग्नेशन की वजह एनआरसी रही जी, आपको क्या लगता है कोरोना पेंडेमिक के बाद एनआरसी लागू होगा? देखिए आज मुल्क जो है वो कोरोना से जूझ रहा है और हम सबको इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक पेंडेमिक है और हमें सबको इसका एहतियात करना चाहिए। सरकार की जितने भी जो गाइडलाइंस आती हैं सबको हमको पालन करना चाहिए,
नॉट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर फैमिली बट इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इसका पालन करना चाहिए और इसको हमको रोकने के लिए सरकार की मदद करनी चाहिए। देखिए, सरकार तो कहती है कि भाई हम NPR करेंगे, उसके बाद NRC करेंगे और NRC के बाद हम CA अप्लाई करेंगे। तो अगर सरकार कोरोना थम जाने के बाद, अगर सरकार के सामने दो तरह के च्वाइसेस हैं, एक तो यह है कि वो फिर से ये जो प्रोसेस है NPR, NRC और CA अप्लाई करने के, ये शुरू कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, इससे देश को बहुत ज़्यादा क्षति हो गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, और NRC, NPR जैसे जो ट्रिवियल इश्यूज हैं जिनको देश को कतई ज़रूरत नहीं है, ये जो च्वाइस को अगर गवर्नमेंट अपनाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन हम नरेंद्र मोदी की सरकार को हम एक आग्रह करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, भारत के हित में ध्यान रखते हुए, ये पेपर चेक करने और किसी के नागरिकता को डिसाइड करने का जो मामला है, इसको पूरी तरह से खत्म कर दे, क्योंकि जो CA आया था वो पूरी तरह से हमारे कानून के खिलाफ था, हमारे संविधान के खिलाफ था, और NPR की कोई जरूरत नहीं है, NRC की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको NPR और NRC करना है तो CAA जो रिलीजन के आधार पर एक डिस्क्रिमिनेशन करता है, पहले उसको खत्म कीजिए और फिर NPR और NRC लेकर के आइए। लेकिन मैं यहाँ पे फिर कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जहाँ पे 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, जमीन के कागजात नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नोमैडिक हैं, एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं, वो अपने एड्रेस के प्रूफ कहाँ से लेकर के आएंगे। या अगर NPR और NRC का प्रोसेस इस देश में अगर सरकार ने जिद में लाने की कोशिश की तो हमारा मुल्क पीछे जाएगा और देश में एक तरह का कोहराम मचेगा, लोग तकलीफ में आएंगे। और हम इल्तजा करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं सरकार को कि सरकार इस तरह की कोई हरकत नहीं करे। सर, क्या आपको नहीं लगता कि आप जो रिजाइन कर दिया, इससे बेटर होता कि आप सर्विस में हो रहते और उसके बाद में ये सारी चीजें बोल सकते थे? देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं कि जब आदमी नौकरी करता है कहीं ना कहीं मुल्क की खिदमत करता है। बिल्कुल, वहां पे रह करके हम किसी कम्युनिटी सर्विस नहीं करते, हम कानून के चौखट के अंदर रह करके काम करते हैं। और हम ये चाहें कि फलाने आदमी को हम मदद कर दें या किसी XYZ कम्युनिटी की हम हेल्प कर दें, तो ये वहां पे पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। हम कानून के मुताबिक काम करते हैं। जहां तक सवाल है NRC, NPR और CAA का, एक ये ऐसा कानून था आजादी के बाद जो मजहब के एतबार से बनाया जा रहा था और मजहब के एतबार से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। और अगर ट्रू सेंस में अगर NPR आए और NRC आए और उसके बाद से CA अप्लाई किया जाए तो बहुत सारे लोग जो है स्टेटलेस हो जाएंगे और एक तरह का मतलब अफरा तफरी होगा, देश कहीं ना कहीं पीछे जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि इस स्टेज पे जब कानून खतरे में है, जब भारत का जो एक जो इथोस है, जो हमारी जो कॉम्पोजिट कल्चर है, हम जब एक साथ मिलजुल करके रहते हैं और जो जो सरकारें आती हैं वो कहीं ना कहीं एक केयरिंग गवर्नमेंट होते हैं, यानी जो हम चाहते हैं वो करती हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा था कि जो आवाम चाहती है सरकार वो नहीं करती है, सरकार जो चाहती है वो काम करती है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं विरोध दर्शाने के लिए, कहीं ना कहीं एक ऑपोजिशन को दिखाने के लिए मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया। सर, जॉब मिस करते हैं आप? जी, जॉब मिस करते हैं आप? नहीं, जॉब नहीं मिस करता हूं, मैं बिल्कुल मिस नहीं करता हूं। देखिए, जब आदमी आजाद होता है तो वो किसी भी काम को बखूबी अंजाम दे देता है। और मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आजाद रह करके और मुल्क की खिदमत करूंगा, कौम की खिदमत करूंगा। और मुल्क में जितने दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो, डिप्राइव्ड हो, उनकी मैं खिदमत करूं। पॉलिटिक्स में आने का आपका कोई इरादा है? देखिए, अभी तक फिलहाल मैंने कुछ तय नहीं किया है, लेकिन इरादा तो यही है कि जो मुल्क है उसकी खिदमत करूं, लोगों की खिदमत करूं। आपका रेजिग्नेशन अभी फाइनल नहीं हुआ है, शायद इसलिए आप ये बोल रहे हैं कि मैंने इरादा नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, रेजिग्नेशन हमने दिया है, सरकार के पास पेंडिंग है, सरकार जब आज नहीं तो कल सरकार को मंजूर करना है।
सर, जब आपने रेजिग्नेशन दिया उसके बाद में जो आप कमेंट्स मैंने पढ़े उसके ऊपर, तो सर वो जो कमेंट्स जब आते हैं जो बहुत ज्यादा हार्श होते हैं कि पाकिस्तान चले जाए और अच्छा किया हट गए, तो वैसे कमेंट्स को आप कैसे लेते हैं? देखिए, ये सब हाईली कम्युनल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, और इनको भारत का जो इतिहास पता नहीं है, भूगोल पता नहीं है, भूगोल पता नहीं है, और भारत के लोग किस प्यार और मोहब्बत से रहते हुए आए हैं इनको ये पता नहीं है, और हमारी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें आज़ादी देता है। सरकार अगर किसी गलत कानून को बनाती है या किसी गलत पॉलिसीज पे चलती है तो हर नागरिक का ये अधिकार है कि उस पर क्वेश्चन कर सकता है और उस पर विरोध दर्शा सकता है। तो अगर CAA एक सिर्फ अब्दुल रहमान नहीं, देश के मेजॉरिटी लोगों ने, इंटेलेक्चुअल लोगों ने, स्कॉलर्स ने, जो हमारे प्रोफेसर्स थे, इनफैक्ट बाहर के लोगों ने, बाहर के कई देशों ने इस पे एतराज जताया, ये कहीं ना कहीं मजहब के आधार पर लोगों को बांटता है। तो अगर एक गलत कानून बनता है और उसको अगर हम विरोध दिखाते हैं तो इस आधार पे कह देना कि पाकिस्तान चले जाओ, ये एक तरह की मूर्खता है और एक तरह से कम्युनलिज्म है। उनको ये नहीं पता है कि उनके बोलने से कोई पाकिस्तान जाता नहीं है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा देश है, ये हमारी मिट्टी है, हम यहीं पर जन्म लिए हैं और यहीं की मिट्टी में हम सांस लेंगे और यहीं की मिट्टी में हम ख़त्म होंगे। यहाँ से बेदखल करने का इख्तियार किसी को नहीं है। वेरी गुड सर, आपके सर्विस के दौरान UPA से NDA की गवर्नमेंट में तब्दीली आई, उसके बाद में आने के बाद में मुसलमानों के साथ में जो हेट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, मैंने जो किताब डिनायल एंड डिप्रिवेशन लिखा है उसमें मैंने लिखा है कि जो मॉब लिंचिंग्स हुए, हेट क्राइम्स हुए, यानी नफरत फैलाना और फिर लोगों को तकलीफ देना, हेट क्राइम्स यानी क्राइम्स ऑन द बेसिस ऑफ हेट, चाहे वो उसका जो ये है शक्ल किसी भी रूप में आए, चाहे वो मॉब लिंचिंग के रूप में आए या किसी और शक्ल में आए, यह एक बहुत ही घिनौनी हरकत है, यह नहीं होनी चाहिए। और मैंने लिखा है कि यह एक सोशल क्राइम है, मॉब लिंचिंग जो है एक सोशल क्राइम है, और जो लोग बैठे हुए हैं हमारे यहाँ सरकार में, चाहे वो स्टेट का होम मिनिस्टर हो, चाहे वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो सेंटर का होम मिनिस्टर हो या सेंटर में बैठा हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, उन सब के लिए ये चैलेंज है। ये जो मॉब लिंचिंग होता है, जो लोग किसी आदमी को किसी शक के आधार पर, और ये बार बार ये कहा जाता है कि ये बीफ को कैरी कर रहे थे, कभी कभी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये गायों को ट्रक में लेकर के कहीं ना कहीं तस्करी कर रहे थे, कहीं इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अमुक आदमी चोरी कर रहा था। तो मेरा मानना है कि ये इस देश में कायदे कानून है, पुलिस है, कोर्ट है, मशीनरी है, उसको अप्रोच करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई आदमी गाय की तस्करी कर रहा है या बीफ कैरी कर रहा है या किसी ने चोरी की है या किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है, तो आप उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले कीजिए। पुलिस जो है FIR दाखिल करेगी, उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी। कोर्ट तय करेगा कि वो आदमी जो है वो क्रिमिनल है या नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड है कि नहीं, गिल्टी है कि नहीं। लेकिन कोर्ट के पहले ही अगर ये आदमी डिसाइड कर लेता है कि भाई ये अमुक आदमी जो है चोर है या किसी का तस्कर है, और उसको मार देना, यह एक घिनौनी हरकत है, और यह जो रूल ऑफ लॉ हमारे जो कंट्री में उसके खिलाफ एक चैलेंज है। और मैंने देखा खास करके जो BJP रूल्ड स्टेट्स थे वहां पे मॉब लिंचिंग ज्यादा हुआ, और वहां के जो होम मिनिस्टर, वहां के चीफ मिनिस्टर, और सेंटर में हमारे जो होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की जो खामोशी थी वो खामोशी अच्छी नहीं लगी, और खामोशी जो है मुल्क के हित में नहीं है और वो कानून के खिलाफ है। अगर एक आदमी का भी जान, एक आदमी की जान अगर जाती है मॉब लिंचिंग में, तो इन सारे लोगों को सामने आना चाहिए और कम से कम इस बात को कहना चाहिए कि जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इस तरह की घटना रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट हमने नहीं देखा। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, लेकिन देखा यह गया है कि मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम्स जो हो रहे हैं, इसके आरोपी जो रहे हैं इनको, इनका तो बाकायदा फूलों से स्वागत किया गया है जी। और ना ही कि मैं ये देखा, देखने में आया है कि कुछ लोग, पूरा पूरा जत्था इनके स्वागत के लिए गया हुआ है। तो सर, इससे क्या
मुसलमानों में क्या वो जा रहा है और उनके कितने ज्यादा हौसले बुलंद किए जा रहे हैं। देखिए, आपने सही कहा कि काफी जगहों पे जो हेट क्राइम्स में जो मुलविस जो लोग थे जी, जो मॉब लिंचिंग में शामिल जो अपराधी थे, कहीं पे जब वो बेल से आए तो उनके माला से उनका स्वागत किया गया। आप ये भी नहीं जानते हैं कि वकीलों का एक झुंड लगा करके उनको डिफेंड करने की कोशिश की गई, कहीं कहीं पर उनके चार्जशीट को डिले किया गया, उनके कन्विक्शन को डिले किया गया, कहीं ना कहीं खामोशी इख्तियार करके उनका सपोर्ट किया गया। ये सारी बातें मजम्मत के लायक हैं, इन सब को हमको कंडेम करना चाहिए। और जिन लोगों ने, चाहे वो किसी भी तरह का अपराधी हो, अपराधी अपराधी होता है, और उसका स्वागत करके हम कहीं ना कहीं उस अपराध को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, तो ये समाज के बेनिफिट के लिए नहीं है और ये देश के हित में भी नहीं है। इस तरह की हरकत से बाज आना चाहिए। जहां तक बात है मुसलमानों की, जब सरकार में बैठे लोग या रूलिंग पार्टी के लोग या मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग जब इस तरह के अपराधियों का माला से स्वागत करते हैं या बड़े बड़े वकील लगा अगर इनको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर ये डर पैदा करता है। लेकिन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट्स हैं, और खास करके भारत का ऐसा एक परंपरा रहा है कि जब भी कोई आदमी डरा हुआ महसूस करे या किसी बात पे उसको एतराज हो या उसको तकलीफ हो, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है आदमी से, उस फैमिली से, उस कम्युनिटी से बात करे कि आपको किस बात का डर है, उसको डर को दूर करने की कोशिश करे। सर, ब्राह्मणिज्म आज हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर नजर आ रहा है जी, सर इसका क्या नुकसान हो सकते हैं देश के ऊपर? देखिए, ये मुल्क जो है, यह मुल्क सभी मजहब और सभी जातियों से मिलकर के बना हुआ है। बिल्कुल, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अथेइस्ट है, किसी मजहब को नहीं मानते हैं। उसी तरह से आप हिंदू मजहब में चले जाएं तो लगभग 10,000 जातियां हैं। 10,000? हाँ, 10,000 जातियां हैं। 5,000 के आसपास तो ओबीसीज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो अपर कास्ट हिंदूज हैं उनमें कई जातियां हैं, ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, भूमिहार्स हैं, राजपूत हैं, कायस्थ हैं, इनमें भी कई जातियां हैं, सब कास्ट हैं। इन सबको मिलाया जाए तो लगभग 10,000 जातियां होती हैं। लेकिन यह एक बदकिस्मती है हमारे देश की, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ब्राह्मणवाद जो है, यानी हर इंस्टीट्यूशंस में जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं जिनका मेजॉरिटी वहां पे एस्टैब्लिश हो रहा है, ये ठीक नहीं है। हमारा मानना है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो सरकारी अदारा हो या कोई इंस्टीट्यूशन है, वहां पे सारे मजहब और सारे जाति के लोग होने चाहिए। लेकिन अगर किसी अदारा में किसी खास जाति या खास मजहब के लोग ज्यादा होते हैं और एक खास एजेंडे को जब वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो कानून है उसके खिलाफ काम करते हैं और हमारी देश की जो मिली जुली जो संस्कृति है, जो तहजीब है, जो गंगा जमनी जो तहजीब है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ काम करते हैं और ये बात अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। सर, आखिर में मैं अपने चाहूंगा कि आप पूरे हिंदुस्तान से आईप्लस टीवी की जानिब से हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक जिम्मेदार शहरी के नाते, एक नागरिक के नाते मैं यह कहना चाहूंगा कि आज तक 2000 साल ये चल रहा है, ईसवी 2000 साल चल रहा है, उसके पहले भी जिंदगी थी। लगभग 5000 साल से यह इस दुनिया धरती पे सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन है, और सिविलाइजेशन जो हुआ है माइग्रेशन, क्रॉस माइग्रेशन से सब बना हुआ है। पहले कंट्रीज के बाउंड्री नहीं हुआ करते थे, सरहदें नहीं थी, जो जहां चाहता था वहां चला जाता था। तो कहने का मतलब है कि क्रॉस माइग्रेशन से, माइग्रेशन से सारे मुल्क बने हुए हैं। कोई कहीं गया, कोई कहीं से आया, कोई जहां गया वहां का बन करके रह गया। उसी तरह से भारत में भी कई लोग थे, आए यहाँ पे और यहाँ के बन करके रह गए। यहाँ के लोग दूसरे जगह गए, दूसरे मुल्कों में गए, वहां के बन कर वहां के शहरी हो गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह मुल्क जो है, यहाँ पे जितने लोग आए उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है,
चाहे वो सोशल एतबार से देखें, इकोनॉमिक एतबार से देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से देखें, कल्चरल एतबार से देखें, रिलीजियस एतबार से देखें, सब ने मिल करके इस मुल्क को बनाया है। अगर हम पास्ट में जाते हैं, तारीख में जाते हैं और तारीख की घटनाओं का उधेड़ बुन करते हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा करता है। तो हमको कहीं ना कहीं अगर आगे बढ़ना है तो पीछे की चीजों को छोड़ना पड़ेगा। देखिए, हर आदमी की जिंदगी में जब हम पीछे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम काश ये ना करते, काश ये ना करते, हम जा करके करेक्ट कर देते। लेकिन ये एक मतलब हाईली इम्पॉसिबल है कि हम पास्ट में जाएं और किसी इंसिडेंट को हम करेक्ट कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि इतिहास है, हमको इतिहास पढ़नी चाहिए, उससे सबक लेनी चाहिए, लेकिन इतिहास को लेकर के अपना जो प्रेजेंट है और अपना फ्यूचर है उसको खराब नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हमको इतिहास को पीछे छोड़ना चाहिए और यहाँ आ करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जो मजहब के लोग हैं सब एक साथ मिल करके रहें, सोशल यूनिटी और रिलीजियस यूनिटी को कायम करें, गंगा जमनी तहजीब को कायम करें, सब लोग मिल करके काम रहें और मिल करके इस देश की खिदमत करें। और यह देश सभी लोगों का है, किसी एक खास कम्युनिटी का नहीं है और एक खास कम्युनिटी का नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी लोग यहाँ के हैं, सब लोग मिल करके भाईचारा कायम करें, मेहनत करें, ईमानदारी से रहें। और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, ईमानदारी पे नहीं चलेंगे और यह नहीं समझेंगे कि यह हमारा मुल्क अपना है, और अगर हम किसी तरह का क्राइम कमिट करते हैं तो वो जो क्राइम होता है स्टेट के खिलाफ होता है, देश के खिलाफ होता है। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो या एंटी सोशल एक्टिविटीज हो, उससे हम दूर रहें, मिल करके रहें और इस मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सरकार से भी मेरी ये इल्तजा है और मैं चाहूंगा कि सरकार जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं उसके मुताबिक कानून बनाए। आपने देखा कि सरकार इतना जो माइग्रेंट वर्कर्स का जो माइग्रेशन हुआ, सरकार ने उस पे ध्यान नहीं दिया, सरकार को वहां ध्यान देना चाहिए था। आज हमारा देश का किसान जो है एजिटेशन पे है, वो क्या कहना चाहता है सरकार वो नहीं सुनना चाहती है। कुछ दिन पहले भारत के मुसलमान तकलीफ में थे, वो क्या कहना चाहते थे सरकार नहीं सुनना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में अगर सरकार किसी गलत पॉलिसीज पे चलती है या गलत कोई कानून बनाती है तो हमको डेमोक्रेटिक वे में प्रोटेस्ट करने का हक है। लेकिन एक भी आदमी या एक भी कम्युनिटी अगर प्रोटेस्ट करता है तो ये सरकार की जवाबदारी है कि उनसे राबता कायम करे, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करे और उनसे पूछे कि आपको क्या तकलीफ है और उस तकलीफ को सरकार दूर करने की कोशिश करे। तो नरेंद्र मोदी सरकार से मैं यह आह्वान करना चाहता हूं कि वो लोगों से बात करे, लोगों की जो तकलीफें हैं उनकी समस्याओं को समझे और उनके मुताबिक काम करे। ये नहीं कि हठधर्मी में, एरोगेंस में उनके अंदर जो काम है या उनके अंदर जो एजेंडा है उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि बहुत बार ये हो जाता है उनके अंदर एजेंडा है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह देश का जो मिजाज है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो कायदे कानून है, उनको एजेंडा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनके अंदर का एजेंडा और लोगों की जहनियत, इसमें टकराव नहीं होना चाहिए। सरकार लोगों से बात करे और उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, उसको दूर करने की कोशिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मौजूद IPS अब्दुल रहमान साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे सवालों का जवाब दिया और हकीकत क्या थी उनके ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम की उसे भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वाज़े किया और हमें बताया कि आने वाले दिनों में हम सब देशवासियों को और सरकार को किस तरह के स्टेप्स लेना चाहिए जिससे अमन और शांति हमारे देश में कायम रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी हस्ती को आपके सामने ला के पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें।